मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा था। राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आया। उसने कहा, मैं दूर देश से आया हूँ राजन, और मैं 3 मूर्तियाँ लाया हूँ, और मैंने आपके मंत्रियों की बड़ी प्रशंसा सुन रखी है, तो मैं चाहता हूँ आप ये बताएं, इन 3 मूर्ति में से कौन सी मूर्ति सबसे महंगी है, कौन सी सबसे सस्ती है और कौन सी औसत है। अब राजा अपने मंत्रियों को देखने लगा। सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक मंत्री बड़ा चतुर था। वह मूर्ति पास में आया और ध्यान से देखने लगा। 3 मूर्तियाँ एक ही धातु की बनी हुई थीं, हूबहू बिल्कुल एक जैसी। जरा सा भी उनमें अंतर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। तो उस चतुर मंत्री ने अपने दरबारी से कहा कि जाओ, जाकर एक मजबूत तिनका लेकर आओ जो टूटे नहीं। और सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन वो चला गया तिनका लाने। तो उसने क्या किया, मूर्ति के कान में तिनका डाला और वो तिनका दूसरे कान से निकल आया। फिर उसने वो तिनका दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो मुँह से निकल आया, और तीसरी मूर्ति जब कान में डाला तो तिनका गायब हो गया, मिला ही नहीं, पेट में चला गया। जैसे ही वो पेट में चला गया, गायब हो गया, बाहर निकला ही नहीं। तो मंत्री ने राजा से कहा, राजा ये बेहद कीमती मूर्ति है, सबसे महंगी मूर्ति यही है, और जो पहली मूर्ति थी वो औसत थी, और जो दूसरे नंबर में मूर्ति थी जिसमें मैंने कान में टिनका डाला और मुंह से निकल आया था, वो सबसे सस्ती मूर्ति है। अब राजा ने कहा, भाई हमें भी बताओ ये बात तुमने कैसे पता लगाई। तो उस मंत्री ने कहा, राजा ये जो 3 मूर्तियां हैं ये मानव की प्रतीक हैं, ये मानव की प्रवृत्तियां हैं। कई कई मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, अगर हम उनसे अपनी कोई बात बताते हैं कि ये बात किसी से कहना नहीं, तो क्या करते, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसे लोग राजा जी कम खतरनाक होते हैं, ये खतरनाक होते ही नहीं, क्योंकि बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और इस तरह के लोग चुंगलखोर नहीं होते हैं, ऐसे लोगों से किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। दूसरी मूर्ति हम ही लोग के मानव के स्वभाव के ऊपर है कि हमने अपनी गुप्त बातें किसी से कही, उसने जाके दूसरे से कह दी, और हमारे रहस्यों को उसने सार्वजनिक बना दिया, सबको बता दिया। वो सबसे सस्ती मूर्ति है, सबसे निकृष्ट प्राणी है, सबसे खराब मनुष्य है वो, जो किसी की बातों को छुपा ना पाए, सबको गाता फिरे। और महाराज जी ये जो तीसरी मूर्ति है जिसके मैंने कान में तिनका डाला और वो जाके पेट में गायब हो गया, ये बेहद कीमती सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं, मनुष्य का प्रतीक है। क्यों, ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम समाज में होते हैं, जो दूसरे के रहस्यों को रहस्य बना के रखें। नहीं तो आजकल के युग में तो राजा जी लोग दूसरों की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। मैंने तो ये देखा कि हम लोगों ने पढ़ लिख कर भी क्या सीखा, इतना पढ़ा लिखा उसने, इतना पैसा बर्बाद किया, और हमने सीखा यही कि किस तरह हम दूसरे की बेइज्जती करें, किस तरह हम दूसरे को नीचा दिखाएं। तो राजन ये 3 मूर्तियाँ हमारे मानव स्वभाव की ही प्रतीक हैं। अब राजा ने मूर्तिकार को देखा जो मूर्तियाँ लेकर आया था। उन्होंने कहा, कहो भाई क्या कहते हो आप। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला, धन्य हो महाराज, जैसा मैंने आपके दरबार के बारे में सुना था, आपके दरबारी तो वैसे ही निकले, और मैं पूर्ण सम्मान के साथ ये 3 मूर्तियाँ आपको भेंट करता हूँ, और मुझे अब चलने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने उसे बड़े सम्मान के साथ हीरे जवाहरात दे करके उसको विदा किया, और वो उसके जाने के बाद वो अपने सिंहासन से उठे, और उठकर उन्होंने अपने उस
चतुर मंत्री को गले से लगा लिया कि तुमने हम सब की लाज रख ली और बातों ही बातों में तुमने हम सभी मनुष्य जातियों को बहुत सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। तो अब मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी मूर्ति बनना चाहेंगे, नंबर एक की तरह, दो की तरह या आखिरी वाली मूर्ति की तरह। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें लिख कर बताएंगे। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय, सबको मेरा नमस्कार। हम सभी कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।